अवेयरनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के एक ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस के बारे में। तो अवेयरनेस क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या मोटिव होना चाहिए और किन किन एड्स में इसका यूज आप कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं इस चैनल पर फेसबुक ऐड की सीरीज चल रही है। तो अगर आप फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं शॉर्ट में तो इस पूरे सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पे हम सारा कुछ करके दिखाने वाला। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां पे क्रिएट पे क्लिक करूं देन यहां पे ऑप्शंस काफी सारे मेरे पास आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा है, आज हम अवेयरनेस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं अवेयरनेस पे क्लिक करता हूं देन यहां पे मेरे पास तीन चार ऑप्शन आते हैं, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज एंड ठीक है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ये मेरे पास चार ऑप्शंस आते हैं। अब अवेयरनेस का मतलब क्या है, ठीक है, अवेयरनेस का मतलब क्या है, सिंपल समझिए, अवेयर, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना, ठीक है। लाइक सपोज करते हैं ये माउस लॉगिटेक के, ठीक है, अगर इसकी कोई ब्रांड नहीं होता है ना, तब क्या होता, इनको अपनी मार्केटिंग करनी होती, ठीक है। तो जो चीजें जितनी ज्यादा दिखेगी उतनी ज्यादा बिकेगी, ठीक है। अगर सपोज करते हैं इसका सेप अच्छा होता या फिर कुछ ऐसे लाइटिंग्स होते इसमें, तो लाइटिंग के बेसिस पे इसको सेल किया जा सकता था, है ना। परचेस मत कराओ, इतने लोगों को दिखाओ, इतनी बार चीज़ें दिखाओ कि वो लोग को ये चीज़ें का हाइप बन जाए, है ना, और वो आपके प्रोडक्ट को परचेस कर ले। तो ये होता है अवेयरनेस का मतलब, ठीक है, कि हम अवेयर फैलाते हैं लोगों को प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि न्यू लॉन्च हुआ है तो न्यू लॉन्च के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं रीमार्केटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि एक बार यूज़र ने इंटरेक्ट किया, हम उसको बार बार दिखा रहे हैं, हर जगह पीछा कर रहे हैं उसका, है ना, पिक्सल कोड के थ्रू हम जगह पीछा कर रहे हैं उसको, वही ऐड दिखा रहे हैं ताकि वो हम प्रोडक्ट परचेस करें। तो ये काम हम इसमें कर सकते हैं। आई होप आपको अवेयरनेस समझ में आ गया होगा। अब अवेयरनेस के अंदर तीन चार चीज़ें हैं, लाइक हमने रीच देखा, ठीक है, हमने ब्रांड अवेयरनेस देखा अभी, और हमने देखा वीडियो व्यूज, ठीक है, वीडियो व्यूज। अभी मैं स्टोर लोकेशन को साइड रखता हूँ, ठीक है, वीडियो व्यूज देखा। अब रीच क्या होता है और ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, अब देखिए रीच और ब्रांड अवेयरनेस दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है, जो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक यूज़र को कितने बार वो जो वीडियो है या फिर जो इमेज है वो दिखाया गया, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों में। एंड वीडियो व्यूज नाम समझ में आ गया होगा, वीडियोस में व्यूज लाना, ठीक है, कि आपका वीडियो है, आप इतने बार लोगों को दिखा रहे हैं, देन क्या होता है कि एक हाइप बन जाता है, ठीक है। लाइक मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं एक एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, तो अगर मैं एजुकेशनल के वीडियोस निकाल के इतने बार लोगों को दिखाऊं, इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे टीचिंग की जो है हाइप बन जाएगी मार्केट में, है ना। कोई एक छोटे से लोकेशन में करना चाहता हूं तो और आसान होगा मेरे लिए। तो इस तरीके से वीडियोस व्यूज का यूज करते हैं हाइप बनाने के लिए और आगे चल के एक फनल के रूप में कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। चलिए रीच को समझते हैं, देन हम ब्रांड अवेयरनेस तरफ जाएंगे, देन हम वीडियो व्यूज की तरफ जाएंगे। चलते हैं हमारे कैंपेन पे। मैंने यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चूज किया, देन यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इंटरफेस, अंदर का सारा इंटरफेस सेम ही है जैसा पहले था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास तीन चीजें आ रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्लासेस में समझा रखा है, लाइक कैंपेन, लाइक एड सेट एंड एड्स। कैंपेन में क्या क्या चीज़ें होती, कहा हुआ है मैंने कि आप ना ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, ए बी टेस्टिंग होता है एंड सी बी होता है, ठीक है। एडसेट लेवल पर क्या 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 होता है, कहा है मैंने, आपका ऑडियंस होता है, प्लेसमेंट होता है एंड बजट होता है, ठीक है, और कुछ जरूरी सेटिंग्स होती हैं। एड्स लेवल पर क्या क्या होता है, आपका क्रिएटिव होता है, एड कॉपी होता है एंड लिंक्स लगाने के होते हैं एंड पेजेस के ऑप्शन होते हैं। ये चार पांच चीज़ें एड्स के अंदर होती है। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले कैंपेन की बात करूँ तो यहाँ पे हम कोई भी ए बी टेस्टिंग, कोई भी हम सी बी ओ नहीं करने वाले हैं, इसके बारे में हम आगे फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं एडसेट लेवल पर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज, यहाँ पे आपको अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी पेज में आप एड रन करना चाहते हैं। नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी मिल जाएगा, आप अपने एड को किस तरह से डिलीवर करना चाहते हैं, लाइक इंप्रेशन बेस पे या फिर रीच बेस पे या फिर थ्रू प्ले पे या फिर 2 सेकंड पे। थ्रू प्ले क्या होता है कि आप अपने ऐड को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि ऐसे लोग के पास आपकी ऐड जाए जो लोग 15 सेकंड देखें ही देखें, और उस हिसाब से आपके जो ऐड है वो पूरा सेटअप हो, है ना, आपकी ऐड का आप रिजल्ट भी उस तरह से देखें, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रीच एंड इम्प्रेशन, अगर आपको नहीं पता
तो चलिए बताता हूँ, रीच क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है। ठीक है, सपोज करते हैं हमारी ऐड को देखने वाले दो लोग हैं, ठीक है, पर्सन वन और पर्सन टू। ठीक है, ये हम रीच रखते हैं और यहाँ पे हम इंप्रेशन रखते हैं। ठीक है, हमारी एक ऐड रन हो रही है, एक ऐड को जो है इन दोनों ने देखा, ठीक है, तब क्या हुआ, दोनों का एक रीच हो गया कि दोनों न्यू यूजर हैं, दोनों ने देखा, अब इंप्रेशन भी हो गया क्योंकि एक बार देखा है। ठीक है, अगर ये ऐड इस यूजर को फिर से दिखाई देती है, फिर से दिखाई देती है तब रीच एक ही होगा क्योंकि अब कोई यूनिक नहीं रहा, ठीक है, और इंप्रेशन दो हो जाएंगे। ठीक है, मतलब रीच का मतलब यह है कि आपका यूनिक यूजर, इंप्रेशन का मतलब यह है कि उस यूनिक यूजर को कितने बार वो ऐड दिखाई गई। अगर ये ऐड इसको थर्ड टाइम दिखती तो 3 इंप्रेशन हो जाएंगे, एक रीच होगा। ठीक है, वहीं अगर यूजर बढ़ जाएंगे तब क्या होगा, रीच बढ़ते जाएगा आपका और इंप्रेशन भी उस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, रीच और इंप्रेशन में। ठीक है, और थ्रू प्ले तो मैंने आपको बता ही रखा है, थ्रू प्ले क्या होता है, अगर कोई यूजर 15 सेकंड आपकी वीडियो देखता है तो थ्रू प्ले के अंदर आता है, 2 सेकंड अगर आपकी वीडियो देखा है तो 2 सेकंड के अंदर आता है। ठीक है, जिस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पहले क्या था, आप वीडियो व्यूज अलग रन करते थे, रीच अलग ऐड रन करते थे एंड ब्रांड अवेयरनेस अलग रन करते थे, अब सभी चीज़ें एक में ही कर दी गई है। ठीक है, तब क्या है कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, है ना। लाइक अगर आप वीडियो व्यूज ट्रैक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप 15 सेकेंड वाला चूज करोगे। ठीक है, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आप ये चूज करोगे, है ना। अगर आप रीच ट्रैक करना चाहते हो ऑब्वियसली बात है आप रीच ट्रैक करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने ऊपर से देखते आते हैं तो यहाँ पे हमारा पेजेस चूज है, डायनेमिक क्रिएटिव, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डायनेमिक क्रिएटिव का था पूरा अलग से इसके लिए लेक्चर होगा। यहाँ पे हमने रीच चूज किया एंड अब यहाँ पे बीट कंट्रोल आ रहा है। अब बीट कंट्रोल होता क्या है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एड के बारे में, ठीक है, लाइक हम रीच की बात नहीं करते, हम कन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, कि आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 50 रुपीस में सेल होना ही होना है, 50 रुपीस उसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है 50 रुपीस ही है। ठीक है, मतलब मिनिमम 20 रुपीस है, मैक्सिमम 50 रुपीस है, तब यहाँ पे आप बीट कॉस्ट डाल सकते हैं, बीट कंट्रोल डाल सकते हैं कि आपने 50 रुपीस पे किया, अब इससे ऊपर आप पे नहीं करना चाहते, आप 50 रुपीस में फिक्स करना चाहते हैं, इतने में कन्वर्जन आ रहे हैं तब ऐड दिखाओ वरना मत दिखाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, फेसबुक को अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कन्वर्जन नहीं आ रहे होते फेसबुक आपकी ऐड की जो कॉस्ट है वो 100-200 रुपए ले जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि इतने रुपए में कन्वर्जन आते हैं, सिंपल यहाँ पे बीट डाल सकते हैं आप। मैक्सिमम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि ऐड की ऐड परफॉर्मिंग को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी कम बच जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो शो मोर ऑप्शंस का ऑप्शन आ रहा है, अगर शो मोर ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी कैप आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे एडिट में क्लिक करता हूँ तो यही फ्रीक्वेंसी कैप की मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी थी। फ्रीक्वेंसी कैप क्या है, यहाँ पे देखो 1 impression every 7 days। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एवरी 7 days को मैं 1 day कर देता हूँ और 1 impression को मैं 3 impression कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हर दिन यूज़र को 3 बार मेरी ऐड दिखेगी, इंप्रेशन होंगे, 3 बार मेरी ऐड दिखेगी हर यूज़र को हर दिन। ठीक है, अगर मैं इसको 2 days करता हूँ तो हर 2 दिन में 3 बार दिखेगी, अगर 3 करता हूँ तो हर 3 दिन में 3 बार दिखेगी। इसको मैं जितना चाहे उतना बढ़ा सकता हूँ, जितना चाहे उतना कम कर सकता हूँ। मैक्सिमम 1 दिन में 3 बार दिखनी चाहिए ऐड यूज़र को, उससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मतलब आप काफ़ी चीप की कैटेगरी में आते हैं, दिन भर आपको ऐड दिखाई दे रही है ना। एंड यहाँ पे नीचे आएंगे, ये कुछ भी नहीं है, इसको आप सिंपल स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे बजट वगैरह है, बजट का ऑप्शन है, आपका डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है समझाने वाली, तो इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो से आपको और भी आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे क्यों होती है। यहाँ पे अगर मैं रीच की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं बजट की बात करूँ तो यहाँ पे डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है। डेली बजट क्या होता है कि नाम समझ में आ रहा है, डेली बजट पर डे का जो भी आपका बजट है। ठीक है, आपने यहाँ पे 200 रुपये रखना है 200 रुपये रखो, 500 रुपये रखना 500 रुपये रखो, मिनिमम आप 84 रुपीस रख सकते हैं, उससे मैक्सिमम आप जितना रुपया जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आपके ऐड अकाउंट पे लिमिट पे डिपेंड करता है। ऐड अकाउंट के बारे में और भी हम आगे फ्यूचर वीडियोस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं यही लाइफ टाइम करता हूँ तब क्या होगा, एक्स डेट से वाई डेट के बीच आप कुछ एक्स अमाउंट रुपये स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो 1400 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आ गया, सॉरी 14,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आ गया, है ना। तब क्या है कि एक कोई एक्स डेट है और वाई डेट के बीच आप जो है इतने रुपए स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट डेट एंड डेट
ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे हमें ड्रॉबैक मिलता है डेली बजट के साथ, ठीक है। मैं ये समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोग को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को डबल देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके तरफ मत जाइए, आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली बजट। अब डेली बजट में हमारे पास ये ड्रॉबैक आता है कि हम यहाँ पे जो है ऐड शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। ये देखो बंद आ रहा है ना, ठीक है। अगर मैं वही लाइफ टाइम लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं लाइफ टाइम बजट लेता हूँ तब यहाँ पे हम ऐड शेड्यूल कर सकते हैं। एडिट आ गया, अब मैं यहाँ पे ऐड शेड्यूल कर सकता हूँ। लाइक मुझे रात के 12 से 6 ऐड नहीं रन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 12 से 6 को छोड़ दूंगा, बाकी सबको टिक कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से मैं अलग अलग टिक कर लूँगा जिस जिस डेट पे, जिस जिस टाइम पे मुझे ऐड रन करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हमें मिलता है लाइफ टाइम के साथ, लेकिन वो हमें किसके साथ नहीं मिलता, डेली बजट के साथ नहीं मिलता, ठीक है। नीचे आते हैं, ये हमारा ऑडियंस सेगमेंट है। ऑडियंस सेगमेंट के लिए अलग से पूरी वीडियो बनेगी, इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑडियंस का रोल रहता है फेसबुक एड्स में, तो और हम आसानी से इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में इसको हम पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सब कुछ मिस कर दीजिए आप, लेकिन ऑडियंस की वीडियो कभी मिस मत करिएगा, ठीक है। प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखता हूँ। पहले इसका नाम जो है, अब तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रख दिया गया। पहले इसका नाम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट था, दोनों का काम सेम ही है। इसका मतलब यह है कि जहाँ भी बेस्ट पॉसिबल होगा वहाँ वहाँ फेसबुक आपकी ऐड दिखाएगा और आपको कन्वर्जन ला के देगा। अगर मैं वही मैनुअल रखता हूँ तो फेसबुक के सारे प्लेटफॉर्म दिखाई देगा मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक। जहाँ मुझे ऐड रन नहीं करनी है, सिंपल मैं उसको अनटिक कर दूंगा। लाइक मेरी जो ऐड है वो फेसबुक के लायक नहीं है, तो फेसबुक को ऑफ कर दूंगा। मेरी ऐड इंस्टाग्राम की नहीं है, तो इंस्टाग्राम को ऑफ कर दूंगा। मेरी ऐड जो है वो सिर्फ मोबाइल वालों के लिए, तो यहाँ पे मैं डिवाइस लिखा हुआ है, इस डिवाइस पे एडिट में क्लिक करके मैं यहाँ पे मोबाइल ऑफ कर दूंगा या फिर डेस्कटॉप ऑफ कर दूंगा। तो ये ऑप्शन मेरे पास मिलता है मैनुअल के अंदर, ठीक है। एंड फेसबुक के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, कहाँ आपको नहीं दिखाना है, मार्केट प्लेस, वीडियो फीड, ठीक है। ये देख सकते हैं स्टोरीज में अगर नहीं दिखाएं तो स्टोरीज को ऑफ कर सकते हैं, है ना। रील्स को नहीं दिखाएं तो रील्स को ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। एंड चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा आता है एड्स का रोल। हमने एड्स सेट पढ़ लिया, कैंपेन पढ़ लिया, अब हमारा एड्स का आता है। यहाँ पे हम पेज इंस्टाग्राम चूज कर लेंगे, ये मैंने कहा हुआ था आपको। एंड यहाँ पे ऐड चूज करने का ऑप्शन है, ये ऐड के ऊपर भी अलग से वीडियो बनेगी, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मेन है उसके लिए मैं अलग से समझाना चाहता हूँ मैं उसको, ताकि आप अच्छे समझ पाए, ठीक है, वहाँ पे आपको मिस्टेक ना हो, ठीक है। जो मेन चीज़ें होती है वो तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी, और नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इमेज के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लाइक सिंगल वीडियो, सिंगल इमेज आप ले सकते हैं, आप कराउजल ले सकते हैं, जो स्क्रॉल होते हैं ना उसे हम कहते हैं कराउजल, आप कराउजल ले सकते हैं, ठीक है। आप कलेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन, लाइक वेबसाइट इवेंट वगैरह हैं, ठीक है, ये सब हम आगे फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। डेस्टिनेशन है, ठीक है, आप किस डेस्टिनेशन पे यूज़र को भेजना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आप लिंक चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो वेबसाइट चूज़ करता हूँ, ठीक है, हम ये देखिए यहाँ पे हम वेबसाइट के यूआईएल डाल सकते हैं। अगर वो हमारी ऐड देखता है तो उसमें अगर कोई क्लिक करता है तो कहाँ पे जाना चाहिए वो, ये चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो ये पूरा था ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज एंड रीच का ऑप्शंस। अब आपको एक डाउट होगा कि कब हमें क्या चूज़ करना है, अगर मुझे वीडियो व्यूज चाहिए तो क्या करना है। हमने ऑब्जेक्टिव्स के टाइप पढ़े थे, ठीक है, क्या क्या टाइप टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आपको वीडियो व्यूज चाहिए, ठीक है, वीडियो व्यूज चाहिए, तब आप सिंपल 15 सेकंड ऑब्जेक्टिव चूज़ करोगे। अगर आपको रीच की ऐड चलानी है तो रीच ऐड चूज़ करोगे। अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस रन करना है तो आपको जो ऐड लिफ्ट का ऑप्शन था, ठीक है, वो आप चूज़ करोगे। तो सिंपल सा ये फंडा था। फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इस वीडियो को फिर से रिपीट देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।